अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू नूर्स किचन। आज हम लाए हैं आपके लिए वर्ल्ड वाइड फेमस डिश स्टीम चिकन मोमोज। इसके लिए लिया है हमने 200 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन है, हमने इसके छोटे पीस करवा लिए हैं। 150 ग्राम के जितना एक बोल भर के मैदा है, टमाटर है, लाल सूखी मिर्ची है, ग्रीन हरी मिर्ची है, लहसुन है, अदरक है और शिमला मिर्च है, कोथमीर है और ये प्याज की आल है। एक बोल ले लिया है, बोल के अंदर हमने ये मैदा डाल रहे हैं, एक चम्मच के जितना 1 टीस्पून तेल, वन फोर टीस्पून नमक, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ठंडे बर्फ के पानी से हम आहिस्ता आहिस्ते गूंदेंगे। हमने मैदा को गून लिया है, ना नरम होना चाहिए ना कड़क, और इसको हम 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। हमने मिक्सर जार ले लिया है, मिक्सर जार के अंदर हम ये चिकन के पीसेस को डाल के बारीक हम इसको पीस लेंगे। चिकन को हमने इस तरीके से पीस लिया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ऑयल, 1 शिमला मिर्च बारीक कटी हुई चॉप्ड, मिर्ची को हमने बारीक काट लिया है, प्याज को भी हमने बारीक काट लिया है, वन टीस्पून के जितना सोया सॉस, हाफ टी स्पून शेजवान सॉस, कोथमीर, को सबको मिला के हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। ये मोमो की फिलिंग की तैयारी कर रहे हैं हम। ऐड कर देंगे हम ये हमारी स्प्रिंग अनियन, चिकन को हमने मैरिनेशन के लिए रख दिया है। अब हम मैदे को देख लेते हैं, को थोड़ा सा और एक दो हाथ मारेंगे, गूंदेंगे इसको। इसके अंदर के बबल्स भी खत्म हो जाएं। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे और उसको भी ढाक ढाक के रखेंगे। हमने ये
छोटे छोटे बॉल्स बना के रख लिए हैं। अब हम इसको एक एक करके पतली पतली रोटी बेलेंगे। इस साइज की रोटी हमने बेल ली है। अब हम इसके अंदर मिला देंगे हमारा चिकन का पेस्ट और इसको हम शेप देंगे मोमोज का। जैसे ऐसे करके ऐसे 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 इस तरीके से इसको शेप दे देंगे। दूसरा शेप दे रहे हैं हम इसको मोमोज को। आपको जो शेप अच्छा लगता हो आप वो तरीके का दीजिए। साइड्स अच्छे से बंद होना चाहिए, स्टीम होने के टाइम पे ये खुले नहीं और स्टीम अंदर पानी नहीं पहुंचे स्टीम का। ये देखिए अब हम ऐसे ही करके सब तैयार कर लेंगे। हमारे सारे मोमोज की फिलिंग हमने भर दी है। देखिए हमने इसको ऐसे शेप में दिया है। आपको जैसे शेप चाहिए आप वैसे कर सकते हैं। अब हम इसको स्टीम के लिए रख देते हैं। हमारे पास इडली मेकर है, हम इडली मेकर में बना रहे हैं। अगर आपके पास इडली मेकर ना हो तो आप एक पॉट के अंदर पानी भरिए दो ग्लास और उसको उसके ऊपर छन्नी के ऊपर जैसे हम ग्रीसिंग कर रहे हैं ऐसे ग्रीसिंग करके मोमोज रख के आप जब भी बना सकते हैं। ऐसे करके ग्रीसिंग करना है इसको। हमने इडली मेकर ले लिया है। इडली मेकर के अंदर हमने 2 ग्लास पानी डाला है। पानी बॉईल आने पे हमने मोमोज को ग्रीस जो ये तेल लगाया था हमने इस पे प्लेट्स पे अब हमने मोमोज को सेट कर दिया है। अब हम एक एक करके ये ट्रे को सेट कर देंगे। स्टार्टिंग के 2 मिनट गैस फुल रखेंगे और फिर गैस की फ्लेम कम कर देंगे। जब तक हमारे मोमोज स्टीम हो रहे हैं अब हम एक पॉट ले लेते हैं। हमने चटनी की तैयारी शुरू कर रहे हैं। हम 1 गिलास पानी हमने डाल दिया इस पॉट में। अब जो टमाटर थे हमारे उसको हाफ हाफ करके हम इसको बॉइलिंग के लिए रख देंगे। ये जो मिर्ची हमने ली थी मिर्ची को भी हम बॉइलिंग के लिए रख देंगे। जब तक कि हमें बॉइल करना है तब तक कि इसका छिलटा अलग नहीं हो जाए। 5 मिनट हो गए इसको बॉईल होते हुए और देखिए इसके छिलका जो है टमाटर में से अलग हो गया है। अब हम इसको अलग निकालेंगे और ये टमाटर और मिर्ची का एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए ये ऐसे छिलका इसका अलग कर लेना है चारों पीसेस का और हमको इसका पेस्ट बनाना है। अब हम चटनी की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। हमने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर हम 2 स्पून ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल गर्म होने पे 6 से 7 जो लहसुन हमने दिखाए थे वो लहसुन हमें ऐड करना है। 1 अदरक का टुकड़ा, हमारे पास थोड़ी सी प्याज बच गई थी हम वो भी ऐड कर देते हैं। तो थोड़ा सौते होने देंगे। ये थोड़ा नरम हो गया है और हम इसमें ऐड कर रहे हैं मिर्ची और टमाटर जो हमने पेस्ट बनाया था। तो मिक्स करेंगे अच्छे से। हमारे मोमोज हमने स्टीम के लिए रख दिया है। जब तक हमारी चटनी तैयार हो जाएगी मोमोज भी गर्म गर्म तैयार हो जाएंगे। ऐड कर रहे हैं हम 1/2 चम्मच नमक। आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर
आधा चम्मच शक्कर, एक छोटा चम्मच सोया सॉस, मिक्स कर रहे हैं अच्छे से हम। पकने देंगे 5 मिनट कम गैस पे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच टमाटो सॉस के, इसको भी डाल के पकाएंगे थोड़ी देर। हमारी चटनी तैयार हो गई है, मोमोज भी स्टीम हो गए हैं। हमारी डिश कैसी लगी आपको प्लीज़ हमें बताना कमेंट करके, और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल नूर्स किचन को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।